Hello, welcome to my channel. And today's my topic is C language for beginners. And I already have one video which you seen earlier. And this is about the programming and program execution. C language. And here is a C program. And first I want to introduce some terms which I want to explain you. Here is a hash include stdio.h. So first, if you want to execute your program in Turbo C, so you need to do these terms, and you have to, and I want to explain this. Hash include stdio.h. It means these are used for header file. These are header file and these are preprocessor. यहाँ पे हमारे जितने भी functions हैं, जो भी हमारे files हैं, वो यहाँ पे save होती हैं preprocessor में. तो stdio का full form है standard input output. और hash include conio.h. ये भी हमारी header file है. conio का मतलब होता है console input output. तो ये भी हमारी हेडर फाइल है. तो ये दोनों यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है. उसके बाद आता है void main. अगर हम टर्बो सी में यूज़ कर रहे हैं तो हम void main यूज़ करेंगे. void यूज़ का मतलब होता है null. अगर हम int main यूज़ करते हैं, अदर जो हमारे जो कंपाइलर हैं उसमें हम int main यूज़ करते हैं, अगर हम void main यूज़ करते हैं तो हमें वैल्यू को रिटर्न नहीं करना पड़ता है. ये देखिए, अगर हम इसको अदर कंपाइलर में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न, इसकी वैल्यू को रिटर्न करना पड़ेगा और यहाँ पे int लिखना पड़ेगा. तो हमने यहाँ पे void यूज़ किया है. void का मतलब कि वैल्यू null है, हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमारा आता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम प्रिंट करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम क्लियर स्क्रीन का ये चीज़ नहीं डालते हैं तो क्या होता है कि अगर हम जितनी बार भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी वैल्यूज़ शो करेगा. जैसे कि हम चार बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो चारों बार वो हेलो वर्ल्ड शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है. तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम यहाँ हमारा है, ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने के लिए मैंने बनाया है. तो सबसे पहले हम ये टर्म समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके भी मैं आपको दिखाऊँगी. तो यहाँ पर है प्रिंट एफ. प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो प्रिंट, किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है. तो हमने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा हुआ है. गेट सी एच, क्या होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जो आउटपुट आता है वो कुछ सेकंड्स के लिए रहता है और वो चला जाता है. तो उसको होल्ड करने के लिए हम ये गेट सी एच फंक्शन लगाते हैं, गेट सी एच लिखते हैं, ठीक है. और एक और बात यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इंक्लूड और ये जो हेडर फाइल्स है यहाँ पर हमने हैश यूज़ किया है, और जो वॉइड मेन है ये हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने ये यूज़ नहीं किया है सेमी कोलोन. क्लियर स्क्रीन हो गया, यहाँ पे हमने सेमी कॉलोन यूज़ किया है. तो जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद हम सेमी कॉलोन को यूज़ कर रहे हैं. तो ये इसमें हमारी जो इसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, इसमें सेमी कॉलोन यूज़ करना ज़रूरी है. फंक्शन में नहीं करेंगे और हेडर फाइल्स में नहीं करेंगे, उसके बाकी जगह हमारा सेमी कॉलोन यूज़ होगा. उसके बाद जब हम वर्ड मेन के बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए एंड भी कर्ली ब्रैकेट पे हो रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है. दूसरा, स्पेस का ध्यान रखना है. जैसे हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है और यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर स्पेस देना है, कहाँ पर स्पेस नहीं देना है. देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी. तो देखिए, मैं ये मेरा जो एक प्रोग्राम है जो मैं आपको रन करके शो करना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए इंक्लूड stdio.h. यहाँ पे हमने ये फाइल ली है, हेडर फाइल, क्योंकि हम यहाँ पर खाली प्रिंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हमने दूसरा फंक्शन यहाँ पे नहीं किया है. तो यहाँ पे इंट मेन है. उसके बाद ये देखिए, ये कमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है. इसको जब आप कंपाइलर रन करेगा तो इसको अवॉइड इग्नोर कर देगा, ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा. माई फर्स्ट पेज, जब भी हम कमेंट्स लिखते हैं तो हमें ये साइंस लगाने हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है. और कमेंट, हम सिंगल लाइन कमेंट है तो हम यहाँ पे दो यही स्लैश लगाकर यहाँ पे भी लिख सकते हैं. तो कमेंट्स के लिए ये है, जैसे कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपने क्यों यूज़ किया है, तो वो आप यहाँ पे कमेंट्स में शो कर सकते हैं. तो ये है आपका प्रोग्राम.
और इसमें का और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज जो केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, सेमी कॉलोन, स्पेस, गेट सी एच, मैंने आपको बता ही दिया कि हवेली को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है, क्लियर स्क्रीन जो हमारा है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है, और वॉइड मेन नल के लिए यूज़ होता है, हमें इसके बाद वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। stdio.io.h हेडर फाइल है हमारी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है इसका फुल फॉर्म, कॉनियो का कंसोल आईओ इनपुट आउटपुट है। उसके बाद हमारा आता है, अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको समझाने के लिए इसमें रह गई हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके बताती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि सी लैंग्वेज जो है हम इसको किस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। तो देखिए मैं एक प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ मैं आपको।